Hello everyone, welcome to Learning with Sunil Kumar. Today's chapter is The Rise of Nationalism in Europe, Part 7, Class 10, History. And topic is Hunger, Hardship and Popular Revolt. इसका मतलब होता है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह. प्यारे बच्चों, इसको स्टार्टिंग करने से पहले फ्रांस के बारे में बताते हैं. 1789 जब फ्रांस में रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस में मोनार्की सिस्टम है, यानी कि राजा का रूल है. लुई 16 रूल करता है. लेकिन क्रांति के बाद फ्रांस में जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ज़्यादा दिन तक सक्सेस नहीं होती है और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज रिपब्लिक. इसके बाद देखिएगा, रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई, वो भी सक्सेस नहीं होती है और फ्रांस में जो रूल लागू होता है वो डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो जाता है. अब क्या है, डायरेक्टरी रूल भी सक्सेस नहीं हो पाता है तो क्या होता है. अब इसमें ऐसी सिचुएशन में नेपोलियन बोनापार्ट होता है आर्मी के अंदर, उसको चांस मिल जाता है एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804. यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाता है और अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर देता है. अब जैसे ही वो सम्राट बनता है तो क्या करता है, जैसे सम्राट बना तो उसने आस पास के जो भी पड़ोसी राज्य थे उनको जीतना शुरू कर दिया. लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्सिया, इन सभी ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया. अब हराने के बाद वियना में कांग्रेस होती है, उसमें एक समझौता किया जाता है. उस समझौते के तहत फ्रांस में फिर से मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी जाती है और बोर्बो डायनेस्टी के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाता है. इसके बाद हमने पार्ट 5 में डिस्कस किया था द एज ऑफ रिवोल्यूशंस. इसका मतलब होता है क्रांतियों का युग. पार्ट 5 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा. उसमें हमने बताया था जुलाई 1830 में फर्स्ट में फ्रांस में रिवोल्ट होता है. उसमें क्रांतिकारियों ने जो बोर्बो डायनेस्टी के राजा था उसको हटा दिया और वहां पर कैसी सरकार इस्टेब्लिश कर दी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करने के बाद लुई फिलिप को वहां का हेड बना दिया गया. यहां तक सिचुएशन क्लियर है. अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आती है जिसके तहत लुई फिलिप को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती है और फिर से फ्रांस में रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है. व्हाट इज ए रिपब्लिक? Republic is a type of government in which head of the country and government are elected by the people. This type of government is known as a republic. तो इसके बाद क्या होता है, फ्रांस में रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है. तो प्यारे बच्चों, ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि इस इंसिडेंट का यहाँ से डायरेक्ट लिंक है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. 1830s यानी कि जो 1830s के जो ईयर्स हैं, ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, आप लिख भी सकते हैं, व्हाई वर 1830s कॉल्ड द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. इसका मतलब होता है 1830s के जो साल थे यूरोप में उनको कठिनाइयों भरा क्यों कहा जाता है. इसका आंसर हम बताते हैं और ये हमने पॉइंट वाइज लिखा है. पॉइंट वन, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. यानी कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप की जो पॉपुलेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है मान लीजिएगा हमारे घर में हम 5 मेंबर्स हैं, यदि 2 मेहमान आ जाते हैं हमारे घर में, गेस्ट आ जाते हैं, तो अब हम खाना पहले तो 5 आदमियों के लिए बनाते थे लेकिन अभी कितने लोगों के लिए बनाना पड़ेगा, 7 लोगों के लिए बनाना पड़ेगा. इसका मतलब क्या हुआ, फूड की डिमांड बढ़ गई. पहले 5 का ही खाना बनाना पड़ रहा था, अभी 2 और एक्स्ट्रा आ गया तो अब 7 लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है. इसका मतलब फूड की डिमांड बढ़ गई. सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है, यानी कि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो फूड की डिमांड भी बढ़ जाती है. नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, माइग्रेशन. नाउ पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब. यानी कि जब
काफी गांव वालों को जॉब नहीं मिलती है, तो ज्यादातर लोग सिटीज में आकर के रहना शुरू कर देते हैं, जॉब तलाश करते हैं ताकि उनको जॉब मिल जाए। एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव इन स्लम्स, यानी कि अब वो इतने सारे लोग हैं, अब झुग्गी झोपड़ी या जो गंदी बस्तियां हैं उनमें रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोर जॉब सीकर्स देन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जॉब की तलाश करने वाले ज्यादा हैं, एम्प्लॉयमेंट कम है। नेक्स्ट देखते हैं अनदर प्रॉब्लम, स्मॉल प्रोड्यूसर फेस द स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब फ्रांस में क्या है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंग्लैंड। वो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं, इसका मतलब है जो इंग्लैंड से सामान आता है वो मशीन मेड होता है और वो सस्ता भी होता है। याद रखना, फर्स्ट में वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। तो अब क्या है, इंग्लैंड का जो मशीन मेड सामान आ रहा है यहाँ पर फ्रांस में वो तो सस्ता है, और लेकिन यहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर सामान बना रहे हैं उससे ये कंपटीशन नहीं कर पा रहे, यानी कि इनका सामान नहीं बिक पा रहा है। सो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड बैड हार्वेस्ट मेड द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो फूड प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ क्या है, फसल भी अच्छी नहीं हुई, फसल भी बर्बाद हो जाती है, और सिचुएशन कैसी हो जाती है, पॉपुलिज्म मीन्स गरीबी की सिचुएशन हो जाती है। एक तो लोगों को पहले से फूड प्राइसेस बढ़ा हुआ है, और दूसरा यानी कि बैड हार्वेस्ट ड्यू टू विंटर, और उसको यानी कि कंगाली वाला सिस्टम हो गया है, बहुत ही गरीबी होगी। इन 1848 देयर वाज फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन फ्रांस। सो व्हाट हैपेंड, पॉपुलेशन केम आउट ऑन द रोड्स इन पेरिस, यानी कि पेरिस की जनता है वो सड़कों पर आ जाती है क्योंकि फूड की शॉर्टेज है, और दूसरा बेरोजगारी है। इन रीजंस की वजह से पॉपुलेशन किसकी, पेरिस की पॉपुलेशन कहां पर आ जाती है, सड़कों पर उतर जाती है। लुई फिलिप वाज फोर्स टू फ्ली। अब ये सारी सिचुएशन देख करके लुई फिलिप क्या है, गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, और इसके बाद सिचुएशन किसने संभाली, नेशनल असेंबली ने, यानी जो पार्लियामेंट है उसने सिचुएशन को संभाला, और इसके बाद फ्रांस वाज प्रोक्लेम्ड एज रिपब्लिक, और नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया है। इसका मतलब होता है रिपब्लिक इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच हेड एंड गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नेक्स्ट है सफरेज टू ऑल मेल हु वर अबाउट 21 years, इसका मतलब है वोटिंग राइट है सभी मेल को दे दिया गया जिनकी भी एज 21 years से ऊपर है। नेक्स्ट स्टेप दैट वाज टेकन बाय नेशनल असेंबली गारंटीड राइट टू वर्क, और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। इसके बाद क्या किया गया फ्रांस में, इसके बाद पूरे फ्रांस में क्या किया, नेशनल वर्कशॉप्स खोले गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। वी विल गिव वन एग्जांपल ऑफ सिलेसिया। इन सिलेसिया व्हाट हैपेंड इन 1845, डेट होती है 4 जून होती है, डेट 4 जून, टाइम होता है 2 PM का होता है, यानी दोपहर के 2 बजे होते हैं, और डेट होती है 4 जून 1845। यहाँ पर क्या होता है, देयर वाज रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वीवर्स है बुनकर है वो अपने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट में विद्रोह कर देते हैं। इनमें क्या सिस्टम था, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है, वीवर्स को रॉ मेटेरियल ला कर देते थे, और जो वीवर्स है रॉ मेटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बना के उनको वापिस देते थे, लेकिन वीवर्स की प्रॉब्लम ये थी कॉन्ट्रैक्टर उनको बहुत ही कम पैसा देते थे, और वीवर्स बार बार डिमांड कर रहे थे कि भाई उनका पैसा इंक्रीज किया जाए, उनका यानी कि पेमेंट ज़्यादा दिया जाए, इसको लेकर के कॉन्ट्रैक्टर मान लिए थे। तो क्या होता है, 4 जून को दोपहर 2 बजे में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जो घर है उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उनके फर्नीचर वगैरह को तोड़ दिया जाता है। इसके बाद बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान बचाने के लिए आसपास के गांव में जाते हैं, लेकिन वो गांव वाले भी उनको शरण देने के लिए मना कर देते हैं। 24 घंटे के बाद आर्मी को यानी कि सेना को बुला लिया जाता है, और सेना के साथ और वीवर्स का आपस में झड़प होती है जिसमें 11 वीवर्स डेड हो जाते हैं,
तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरे फ्रांस में ये वाले इंसिडेंट होते रहते हैं। Now we have seen these were the reasons which led to popular revolt. In the next part we are going to discuss in 1848 the revolts of the liberals, यानी उदारवादियों की क्रांति 1848. नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जरूर देखिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।